हे गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग काफी अच्छे हैं। मैं आपका स्वागत करता हूँ कॉमर्सी पाठशाला में। और जैसे कि आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, आज मैं बात करने वाला हूँ न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी फॉर स्मॉल स्केल सेक्टर के बारे में, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे पूछा जा सकता है कि नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी में स्मॉल स्केल सेक्टर को लेकर के क्या बताया गया है। तो इसको हम पूरा देखेंगे ताकि आपको पूरी जानकारी मिल पाए। बट उससे पहले मैं कुछ चीजें बता दूं कि आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को यहाँ पे आने के बाद सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन है उसे दबा दीजिए ताकि आपको मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन जो है वो सबसे पहले मिलती रहे। साथ ही साथ मैं आपको एनकरेज करना चाहूंगा, अप्रोच करना चाहूंगा कि आप चाहें तो हमारे चैनल के मेंबरशिप प्लान को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पे आप हमारे चैनल का एक्सक्लूसिव मेंबर बन सकते हैं, जिसके बहुत सारे फायदे हैं। एक एक करके मैं आपको बताता हूँ। बट उससे पहले मैं आपको प्रोसेस बता देता हूँ कि आप कैसे हमें ज्वाइन कर सकते हैं। तो इस ज्वाइन वाले बटन के ऊपर आपको क्लिक करना है। यहाँ से आपको इग्नू एमकॉम में जाना है, जहाँ पे 159 रुपीज पर मंथ के हिसाब से आपको एक नॉमिनल सा फी पेमेंट करना होगा। जैसे कि आप ट्यूशंस पढ़ते हैं वैसे ही आप हमारे पास से ट्यूशंस पढ़ेंगे। यहाँ पे आपको असाइनमेंट्स फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे, ₹1 भी आपको असाइनमेंट्स के लिए पे नहीं करना होगा। आपको लो कॉस्ट में नोट्स मिल जाएंगे 40% डिस्काउंट पे। साथ ही साथ आपको व्हाट्सएप सपोर्ट मिलेगा 24/7 हमारी तरफ से, जब तक कि आपका कोर्स कंप्लीट नहीं हो जाता। आप ऑन डिमांड लेक्चर्स भी बनवा सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपको गाइडेंस एंड काउंसलिंग की आवश्यकता पड़ती है तो वो भी हमारी तरफ से आपको प्रोवाइड कराई जाएगी। मेंबरशिप को लेने के बाद ये जो हमारा पर्क्स का ऑप्शन है, यहाँ पे आकर के हमको आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को यहाँ से ज्वाइन कर लेना है। ठीक है, तो चलिए फिर हमारे टॉपिक की तरफ चलते हैं, जो कि है हमारा आज का न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी फॉर स्मॉल सेक्टर। राइट, तो चलिए फिर देखते हैं। ओके, सो ऑन अगस्त 1991 द गवर्नमेंट अनाउंस अ सेपरेट इंडस्ट्रियल पॉलिसी फॉर द स्मॉल स्केल सेक्टर फॉर द फर्स्ट टाइम। टिल देन द पॉलिसी मेजर्स फॉर एसएसआईज फॉर्मड पार्ट ऑफ जनरल इंडस्ट्रियल पॉलिसी। द न्यू पॉलिसी हैज कंफर्ड ग्रेटर फोकस ऑन द प्रमोशन एंड डेवलपमेंट ऑफ स्मॉल सेक्टर। इट्स मेन फीचर्स आर, तो 1991 6 अगस्त 1991 को पहली बार गवर्नमेंट ने एक सेपरेट इंडस्ट्रियल पॉलिसी अनाउंस करी फॉर द स्मॉल सेक्टर, जो इंडस्ट्रीज होती हैं उनके लिए। उसके बाद से इस पॉलिसी में बहुत तरह के बदलाव हुए हैं, चेंजेस हुए हैं, इसको इम्प्रोवाइज किया गया है डिटेल में और अच्छे तरीके से बनाया भी गया है। तो इस पॉलिसी के क्या क्या फीचर्स हैं मैं आपको एक एक करके तुरंत आपको समझा देता हूँ। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो फीचर है वो ये है, टू अलाउ इक्विटी पार्टिसिपेशन अप टू 24% बाई अदर इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग इंक्लूडिंग फॉरेन कंपनीज। तो जो फॉरेन कंपनीज है या फिर जो अलग जो इंडस्ट्रियल जो कंपनीज है हमारे इंडिया में, वो अप टू 24% इक्विटी पार्टिसिपेट कर सकती थी। मतलब 24% जो है उनको अलाउ किया जाएगा कि वो चाहे तो हिस्सेदारी वो खरीद सकते हैं हमारी इंडियन कंपनीज में, है ना। इंडस्ट्रियल जो अंडरटेकिंग होगी वो खरीद सकते हैं, उनमें खरीदा जा सकता है बाई द फॉरेन कंपनीज, इंक्लूडिंग फॉरेन कंपनीज। फॉरेन कंपनीज इसमें चाहे तो इन्वेस्टमेंट कर सकती हैं। टू इनकरेज कॉम्प्लीमेंट्री इन, इसको मैं थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूँ। ठीक है, ये रहा हमारा, ये सही रहेगा। सो टू एनकरेज कॉम्प्लीमेंट्री इन प्रोडक्शन प्रोग्राम्स ऑफ लार्ज स्मॉल इंटरप्राइजेस। तो जो लार्ज और स्मॉल इंटरप्राइजेस हैं उनमें प्रोडक्शन प्रोग्राम्स को इनकरेज करने के लिए जो है स्मॉल स्केल सेक्टर का जो हमारा जो न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी वो इनकरेज करता है लार्ज और स्मॉल इंटरप्राइजेस की, कि वो जो है कॉम्प्लीमेंट्री जो प्रोडक्शन है उसमें ज्यादा से ज्यादा वो हिस्सा ले, ज्यादा से ज्यादा जो है वो प्रोडक्शन के ऊपर ध्यान दे। ठीक है, टू अकॉर्ड priority to small and tiny sector in allocation of indigenous raw materials, है ना। तो एक तरीके से आपको जो है help आपको provide की जा रही है by this new industrial policy, जो small and tiny sector के industries हैं उनको help provide की जा रही है कि उनको जो है allocate किया जा रहा है indigenous raw material को, ऐसे raw materials जो कि हमारे इंडिया में पाए जाते हैं, foreign से लाने की जरूरत नहीं, इंडिया में बहुत सारे materials हैं, तो उन सारे materials को allocate किया जाता है, दिया जाता है small and tiny sector industries को, ताकि वो अपने products को तैयार कर सके। So this is the third फीचर है हमारे इंडस्ट्रियल पॉलिसी का, जो कि स्मॉल स्केल सेक्टर को लेकर के बनाया गया था। फोर्थ फीचर है, टू प्रोवाइड इजियर एक्सेस टू इंस्टीट्यूशनल फाइनेंस। आपको लोन की आवश्यकता पड़ेगी डेफिनेटली, जब आप बिजनेस को बड़ा करने की सोचेंगे तो आपको लोन लेना पड़ेगा। तो आपको लोन लेने में कोई सुविधा मिल देने के लिए, लोन लेने में आपको कोई असुविधा ना हो, इस चीज के लिए जो है न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी रास्ता खोलती है और आपको इजियर एक्सेस प्रोवाइड करती है इंस्टीट्यूशनल फाइनेंस का। ठीक है, टू रिकॉग्नाइज SIDO एज अ नोडल एजेंसी टू सपोर्ट SSIs इन एक्सपोर्ट प्रमोशन। तो जब भी आपको SSI, जो आपका स्मॉल सेक्टर यूनिट है, जो इंडस्ट्री है, उसमें से जब भी आपको एक्सपोर्ट करने की आवश्यकता पड़ेगी, एक्सपोर्ट प्रमोशन की आवश्यकता पड़ेगी, तो आपको सीडो, जो स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, वो आपकी हेल्प करेगा, वो एज ए नोडल एजेंसी आपकी हेल्प करेगा। तो सीडो जो है वो SSI का नोडल एजेंसी होता है।
राइट तो एसिडो को रिकॉग्नाइज किया गया है एज द नोडल एजेंसी टू सपोर्ट एसएसआई इन एक्सपोर्ट प्रमोशन, एक्सपोर्ट के प्रमोशन में। सिक्स नंबर पॉइंट है टू एनकरेज सेल ऑफ एसएसआई प्रोडक्ट्स अंडर कॉमन ब्रांड नेम्स, है ना। तो जो एसएसआई है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है उनके प्रोडक्ट्स को अंडर कॉमन ब्रांड नेम, किसी कॉमन ब्रांड नेम के तहत जो है इनको बेचने के लिए एनकरेज किया गया है ना, कि इनकी सेल जो है एक कॉमन ब्रांड नेम के तहत जो है वो हो, ठीक है। तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के जो भी प्रोडक्ट्स होंगे उनके कॉमन ब्रांड नेम के तहत जो है इनकरेज किया जाएगा कि उस नेम के तहत ही वो सेल करें, ठीक है। अगला पॉइंट है टू वाइडन द स्कोप ऑफ नेशनल इक्विटी फंड टू कवर अप टू ₹10 लाख फॉर इक्विटी सपोर्ट, है ना। तो जो नेशनल इक्विटी फंड है वहां से आपको 10 लाख रुपए तक का इक्विटी सपोर्ट मिल सकता है। इसके लिए भी एक स्कोप जो है उसको वाइडन किया गया है, बड़ा किया गया है कि आपको जो है अप टू ₹10 लाख का जो है इक्विटी सपोर्ट आपको मिले नेशनल इक्विटी फंड से टू मैनेज योर बिजनेस, टू मैनेज योर स्मॉल स्केल इंडस्ट्री मैनेज बिजनेस, है ना। तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का जो आपका बिजनेस है उसको मैनेज करने के लिए आपको 10 लाख रुपए तक की इक्विटी सपोर्ट जो है प्रोवाइड कराई जाएगी फ्रॉम द नेशनल इक्विटी फंड, ठीक है। टू एनलार्ज सिंगल विंडो लोन स्कीम टू कवर अप टू 20 लाख विद वर्किंग कैपिटल मार्जिन अप टू 10 लाख एंड चैनलाइजिंग कॉम्पोजिट लोन थ्रू कमर्शियल बैंक्स, है ना। तो एक तरीके से सिंगल विंडो लोन स्कीम खोला गया है जहाँ पे आप अगर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हो, आप अगर इस चीज में डील करते हो तो आप अगर बैंक के पास जाओगे तो आपको जो है लोन बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। आपको 20 लाख रुपए तक का जो है वर्किंग कैपिटल का लोन मिल सकता है, है ना। आई मीन 20 लाख तक का आपके प्रोजेक्ट के लिए आपको लोन मिल सकता है जहाँ पे वर्किंग कैपिटल जो है वो 10 लाख रुपए का होगा और इसको चैनलाइज किया जाएगा, मतलब आपको प्रोवाइड किया जाएगा वाया डिफरेंट कमर्शियल बैंक, जो डिफरेंट कमर्शियल बैंक है उनके थ्रू आपको जो है ये लोन जो है प्रोवाइड कराए जाएंगे। नौ नंबर पॉइंट है टू अलाउ प्राइवेट इंडस्ट्री टू सेटअप इंडस्ट्रियल स्टेट्स, है ना। तो जो प्राइवेट इंडस्ट्रीज हैं उनको एक तरीके से अलाउ किया जाएगा, उनको एक तरीके से यू नो परमिशन दी जाएगी कि वो जो है इंडस्ट्रियल स्टेट्स, इंडस्ट्रियल जो एसेट्स हैं वो तैयार कर सके ताकि इस बिजनेस को ठीक तरीके से किया जा सके, ठीक है। दसवां नंबर जो फीचर है इसका वो ये है टू इंक्लूड इंडस्ट्री रिलेटेड सर्विसेज इंटरप्राइजेस एज स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। तो जो इंडस्ट्री रिलेटेड सर्विस इंटरप्राइजेस होंगी उनको भी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज की कैटेगरी में इंक्लूड किया गया है एज पर द न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी फॉर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, ठीक है। 11 नंबर पॉइंट है टू इनहेंस द इन्वेस्टमेंट लिमिट इन प्लांट एंड मशीनरी फ्रॉम ₹2 लाख to ₹5 लाख in respect of tiny enterprises irrespective of their location। तो आपका बिजनेस किसी भी जगह पे हो उससे फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आपका जो इन्वेस्टमेंट का लिमिट है आपके प्लांट एंड मशीनरी में उसको 2 लाख से बढ़ा करके 5 लाख रुपए तक का कर दिया गया है। ये 11वां फीचर है आपके स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज का, ठीक है, न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी का। टू गिव प्रायोरिटी टू एसएसआई इन द गवर्नमेंट्स परचेस प्रोग्राम। तो एक तरीके से गवर्नमेंट, देखो कई बार ऐसा होता है ना कि गवर्नमेंट जो है सेम टाइम्स आपके प्रोडक्ट को परचेस करती है, तो एसएसआई जो प्रोडक्ट्स बनाएंगे उनको परचेस कर लिया जाएगा गवर्नमेंट के द्वारा ही। तो एक तरीके से उनको प्रायोरिटी दी जाएगी, जो एसएसआई होगा, जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री होगा उनको प्रायोरिटी दी जाएगी कि गवर्नमेंट जब भी कोई परचेस करेगी किसी भी, अगर आपको गवर्नमेंट को किसी चीज की जो आवश्यकता है, अगर वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज की कोई कंपनी बना रही होगी तो गवर्नमेंट सबसे पहले उसके पास जाएगी और उसके पास से उन सारे सामानों को परचेस कर लेगी जिसकी आवश्यकता गवर्नमेंट को पड़ेगी। तो ये 12वां नंबर पॉइंट है जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है इनको एक तरीके से एनकरेज करने के लिए, इनको डेवलप करने के लिए। टू गिव रिलैक्सेशन इन सर्टेन प्रोविजनल प्रोविजन ऑफ लेबर लॉज, है ना। तो एक तरीके से जो लेबर लॉज है उसमें जो है इनको छूट प्रोवाइड कराई जाती है, बिकॉज इसके तहत जो है छूट प्रोवाइड कराई जाती है, जो रिलैक्सेशन प्रोवाइड कराए जाते हैं फॉर बाय द गवर्नमेंट इन दीज केसेस, ठीक है। So to give relaxation in certain provision of labor laws. तो labor laws में कुछ कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि एक तरीके से थोड़ी सी टफ हो सकती हैं, बट इसमें relaxation provide किया जाता है as per the new industrial policy for the small scale industries. 14th and the last point is to introduce a limited partnership act to enhance the supply of risk capital. जो रिस्क कैपिटल है, जो आपका कैपिटल, जो रिस्क कैपिटल उसके सप्लाई को एक तरीके से इनहेंस करने के लिए गवर्नमेंट ने जो है लिमिटेड पार्टनरशिप एक्ट को यहाँ पे इंट्रोड्यूस करा है, जहाँ पे लोग जो है पार्टनरशिप में बिजनेस में उतर सकते हैं और एक तरीके से इस काम को, इस बिजनेस को यू नो आगे बढ़ा सकते हैं। तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को एक तरीके से बढ़ाने के लिए, आगे लेकर के जाने के लिए जो नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी है वो बहुत अच्छे तरीके से यू नो काम कर रही है। और ये 14 पॉइंट्स हैं जो कि आप एग्जामिनेशन में अगर आपसे पूछा जाए कि इन नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी के क्या क्या फीचर्स हैं, तो आप इन 14 पॉइंट्स को वहाँ पे मैंशन कर सकते हैं।
ठीक है. सो अ स्कीम इंटीग्रेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज वाज प्रपोज्ड टू फैसिलिटेट द लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रियल इंडस्ट्रीज इन रूरल एंड बैकवर्ड एरिया. सो रूरल एंड बैकवर्ड एरियाज में भी किसी तरीके से इंडस्ट्रीज को स्टार्ट किया जाए, इसको लेकर के स्कीम स्टार्ट किया गया है, जहाँ पे एक इंटीग्रेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने की बात की जा रही है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज का, है ना. तो जो ताकि वो जो है रूरल एरियाज और जो बैकवर्ड एरियाज है वहां पर भी जो है उस चीज को तैयार किया जा सके. It was also proposed to set up technology development cell and export development cell in CEDO for the purpose of improving productivity, competitiveness and export activities of SSIs. है ना. तो इन सारी चीजों के लिए भी दो चीजों का गठन किया गया है या फिर जाने वाला है, जो कि है टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट सेल और एक्सपोर्ट डेवलपमेंट सेल. ये दो सेल जो है वो सीडो के तहत बनाए जाएंगे, ताकि किसी तरीके से जो है जो प्रोडक्टिविटी है उसको किस तरीके से इम्प्रूव किया जाए उसके ऊपर ये लोग काम करेंगे, किस तरीके से कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ाया जाए और किस तरीके से यू नो एक्टिविटीज जो है SSIs की एक्सपोर्ट एक्टिविटीज उनको किस तरीके से इंक्रीज किया जा सके, इसके लिए इन दो सेल्स का जो है निर्माण किया गया है. एक है टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट सेल और दूसरा है एक्सपोर्ट डेवलपमेंट सेल. So these are the 14 points that you need to keep in mind whenever you are asked about the explain the main features of new industrial policy for a small scale sector. और आपसे ये पूछा जा सकता है, तो इस वीडियो को आप अच्छी तरीके से दोबारा से देख लेना ताकि आप इसको लिख पाओ, ठीक है. तो मिलते हैं अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखो. बाय बाय. थैंक यू.